शाम को आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं टू वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेस स्ट्रिंग यूजिंग अ सोनोमीटर। सबसे पहले इसके लिए हमें ऑपरेटर्स कौन कौन सा रिक्वायर है, सोनोमीटर रिक्वायर है, यहाँ पर ये हमारे पास सोनोमीटर है। वेजेस चाहिए हमें, वेजेस के साथ हमें ये एक पेपर राइडर चाहिए। वेट्स चाहिए, 3 ट्यूनिंग फॉक्स चाहिए, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के रबर पैड और हैंगर। इसको परफॉर्म करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में हमारे पास यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक्स की, सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में फर्स्ट में हम फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक्स यूज़ करेंगे, जो उसको यहाँ पे लिखेंगे। देन मास जो हमने सस्पेंड किया है सोनोमीटर के साथ स्ट्रेस स्ट्रिंग के साथ, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देन मैच को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपके पास केजी में है तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1 केजी है तो इसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1000 ग्राम आ जाएगा आपके पास में। देन आप उसको 981 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंशन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लेंगे टेंशन का, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। उसके बाद फ्रिक्वेंसी की, जो आपके पास ट्यूनिंग फॉक की वैल्यू है, उसको आप स्क्वायर रूट जो टी की आपके पास वैल्यू आएगी उस पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो है इसको एडजस्ट किया है, वेट को हमने वेट लिया है 1 kg और ट्यूनिंग फॉक हम यूज़ कर रहे हैं 320 फ्रिक्वेंसी का। इस पर हमने स्ट्राइक करना है और इस पेपर राइडर को जो है वो फाइल करवाना है। पेपर फॉल कर गया, 1 kg हमारे पास मैस है, तो यहाँ पे हम ट्यूनिंग फॉक की वैल्यू लिख लेंगे 320 और मैस हमारे पास है 1 kg। ये हमारे पास 1/2 kg जो है वो हैंगर का वेट है और साथ में 1/2 kg जो है वो हमने मास इसमें इंपोर्ट। देन हम मैस को चेंज करेंगे, लेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे इस प्रैक्टिकल में, हम 1/2 kg जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। चलिए मैस को हमने इंक्रीज़ किया है 1.5 kg किया और ट्यूनिंग फॉक को हमने चेंज किया 480 फ्रिक्वेंसी का लिया। देन फिर हम पेपर को जो है वो लेंथ चेंज नहीं करेंगे, इसी लेंथ में हम पेपर को जो है वो फॉल करवाएंगे। देखें आपने यहाँ पे भी पेपर जो है वो फॉल कर गया। इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेंगे, हमने यहाँ पे 480 का जो है वो ट्यूनिंग फॉक लिया है और मैस हमारे पास आ गया 1.5 kg। इट्स मीन कि इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आ जाएगा 1500 ग्राम। देन इसकी कैलकुलेशंस कर लें, फिर हम मैच जो है वो चेंज इंक्रीज करेंगे। अभी हमारे पास आ गए 2.5 kg आ गए। ये आपके पास ट्यूनिंग फॉक अब हम यूज़ कर रहे हैं 512 का, पहले हमने 320 लिया फिर 480 अब 512 का, और मैच हमारे पास है 2 kg हमने इंक्रीज किया, यानी कि 2000 ग्राम आ जाएगा आपके पास। अब हम ट्यूनिंग फॉक को स्ट्राइक करेंगे और लेंथ हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। देखिए इस पर कॉल कर गया है, इसकी कैलकुलेशन जब हमने की हैं, यहाँ पे मैस आपके पास आ गया, टेंशन फाइंड आउट की कि मैस जो आपके पास वैल्यू आई है 1000 ग्राम है, 1000 को हम 981 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंशन फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर रूट लेके हमारे पास ये वैल्यू आती है। लास्ट में जब हम फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ टेंशन पे, तो आपके पास 0.32। इसी तरह से सेकेंड जब हमने वैल्यूज़ ली वो आपके पास आ गई 0.39। थर्ड वैल्यू ली हमने वो आपकी 0.37। ये ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट आ रही है, इसकी एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट था यही हमने वेरीफाई करना था कि आपके पास एफ ओवर ये जो आपके पास फार्मूला है इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट टी ओवर एम। तो इसमें आपके पास एम एंड टी ये जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होंगे, अंडर रूट टी को हम दूसरी साइड पे ले देंगे। तो ये हमने वेरीफाई करना था कि फ्रिक्वेंसी ओवर अंडर रूट टी आपके पास इक्वल टू वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है वैल्यू, तो ये हमने वेरीफाई करना था लॉ ऑफ टेंशन।